अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेंटेनेंस फंक्शंस इन डेरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये होता है कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल का आना, ठीक है, दो जनरेशन्स हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने डेरिया की बात करें, इसमें ठीक है टू बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक होता है पोलेप और दूसरा होता है मेड्यूसा, ठीक है। अब जो पोलेप होता है वो एसेक्सुअल होता है और जो ना सेसाइल होता है, मतलब इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती, तो ये एक सबस्ट्रेट पे जाके स्टे करता है, उसी पे उधर ही रहता है, और फिर आगे जाके इसकी हम रिप्रोडक्शन को बाद में देखेंगे। और उसके बाद जो ना नेक्स्ट, मतलब इसमें क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। अब टेंटिकल्स का क्या काम होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं कि गैदर करते हैं। और उसके अलावा दूसरा कौन सा है, मेडूसा है। मेडूसा का क्या काम होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए मतलब रिप्रोड्यूस होता है, और ये डाइशियस होती है, और इसमें मतलब इन्वर्टेड ये बॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा समझ रहे हैं कि आपका जो प्याला है, प्याले को कुछ उल्टा कर दें, ठीक है, और इसका ऐसे यहाँ माउथ होता है, ठीक है, इन्वर्टेड बाउल शेप्ड होता है। और उसके अलावा इसमें मेसोग्लिया की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत किसकी, पोलिप की बात करें, ठीक है। अब उसका मतलब पहली बात तो ये कि एक जेलेटिनियस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये जो मेड्यूसा है ये फ्रीली लिविंग है, ठीक है, फ्रीली जो ना इस वाटर में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब आगे है मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन की बात करें तो इसमें गैस्ट्रोडर्मिस होती है। अब गैस्ट्रोडर्मिस मतलब सिर्फ उसकी एक ही कैविटी होती है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे बात करूँ, ठीक है, ये एक कैविटी है और इसका यही, ये जो यही चीज़ है, ये इसका जो माउथ है सिर्फ इसमें, मतलब ब्लाइंड एंडिंग का मतलब भी यही होता है कि इसकी जो सेकंड एंड है वो क्या होती है, बंद होती है। अब जो इसमें वाटर है या कोई भी चीज़ है, फूड पार्टिकल है, वो सारे का सारा कहाँ से, सारा अमल कहाँ से होना है, इसी एक ही माउथ से होना है, ठीक है, क्योंकि इसमें दूसरा एंड तो है नहीं, एनएस तो मौजूद है नहीं, इसमें सिर्फ माउथ होता है, माउथ के ज़रिए सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब देखो उसमें डाइजेशन है, डाइजेशन के अलावा उसमें एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन के अलावा रेस्पिरेशन है और रिप्रोडक्शन है। ये सारे के सारे क्या होते हैं कि इसी माउथ के ज़रिए होते हैं, ठीक है। अब फूड, अगर हम इनके फूड की बात करें तो फूड जो है इनके किस पर मुश्तमल होता है, क्रस्टेशियंस पर मुश्तमल होता है और स्मॉल फिशेस पर मुश्तमल होता है, ठीक है। अब इसमें जो निमेटोसाइट्स होते हैं, निमेटोसाइट्स का क्या काम होता है कि वो जो प्रे है, प्रे के अंदर क्या होते हैं कि वो इंजेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब उसे इंजेक्ट करते हैं, प्रे को पैरालाइज करते हैं, पैरालाइज करने के बाद अपने टेंटिकल की मदद से उसको पकड़ते हैं और अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि टेंटिकल्स में मौजूद होती हैं कंट्रैक्टाइल सेल्स, ठीक है, अब वही कंट्रैक्टाइल सेल्स क्या करते हैं कि जो है ना शार्टन होते हैं, शार्टन होकर प्रे को मतलब पीछे अपनी तरफ खींचती हैं। अब उसके बाद है गैस्ट्रोडर्मिस, मतलब जब फूड है वो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर आ जाती है, कैविटी के अंदर आ जाती है, तो वहाँ गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब उन ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि वो म्यूकस और एंजाइम सेक्रेट करते हैं, मतलब जो फूड है, फूड की डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होती हैं, जो कि मतलब पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, जहाँ मतलब एंजाइम और म्यूकस की मदद से उसे पार्शली डाइजेस्ट किया गया। अब उसके बाद उसे क्या किया जाता है कि एक फूड वैक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ से मतलब इसकी डाइजेशन क्या हो जाती है, यहाँ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब उसके अलावा मतलब इसमें ओरिएंटेड कंट्रैक्टाइल फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, इसी गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर, तो उसका क्या काम होता है कि वो फूड की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं कि अपने फूड ने पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना होता है ना, ठीक है। अब ऐसे मतलब ये समझ लें कि ये इनका गैस्ट्रोडर्मिस है, तो इस गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर फूड को क्या करना होता है, सर्कुलेट करना होता है, तो इसमें क्या मौजूद होती हैं, ओरिएंटेड कंट्रैक्टाइल फाइबर्स मौजूद होती हैं, उनका क्या काम होता है कि वो फूड की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अब जो फूड है, ठीक है, इसमें मतलब रिंग लाइक कंट्रैक्शंस होती हैं, मतलब क्रिस्टलाइसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें मतलब क्रिस्टलाइसिस होती है, तो ऐसे समझ लें ऐसे रिंग लाइक कंट्रैक्शंस होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो अंदर की तरफ आता है, ठीक है, या फिर अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, क्योंकि एक ही माउथ के ज़रिए ही सब कुछ इंजेक्ट होना और सब कुछ सेक्रेट होना, ठीक है। अब उसके बाद नेडेरियंस में जो स्पोर्ट होता है, वो स्पोर्ट कहाँ से आता है, बवंसी या वाटर, वाटर की बवंसी से इनकी मतलब स्पोर्ट होती है, इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इसमें एक हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन मौजूद होता है। अब हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन का मतलब ये एक ऐसे कैविटी है, ठीक है। अब इस कैविटी में जो वाटर फील्ड होता है, ठीक है, वाटर,
अब इसी वाटर से वो क्या करते हैं कि मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन, मतलब ऐसा स्केलेटन जो वाटर से बना हो। ठीक है, तो एक कैविटी होती है, फीड कैविटी होती है, उसी कैविटी में वाटर होता है या बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, और वही किसके तौर पर काम करता है, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है। ठीक है, और इसी तरह से एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होती हैं जो कि किसमें मतलब कंट्रैक्ट करती हैं, और कंट्रैक्ट से उस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, मूवमेंट होती है।